नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति महाड़कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटखेड़ी में पदस्थ हूँ। आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 11 के अंतर्गत प्रिज्म से अपवर्तन, उसमें क्रियाकलाप और वर्ण विक्षेपण के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। बच्चों, प्रिज्म तो आपने देखा होगा, ये कांच का होता है। इसमें दो त्रिभुजाकार आकृति होती है और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। इससे घिरा ये पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। तो इसकी पहले परिभाषा आप लोग कॉपी में नोट करिए। दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म का कोण ए क्या होता है, अब इसको देखते हैं। हम जानते हैं ये कोण प्रिज्म का कोण ए कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण ए कहते हैं। एक फलक ये वाला हो गया ए बी ई डी, दूसरा फलक हो गया ए सी डी एफ। इन दोनों फलकों के बीच जो ये कोण होता है, इसे हम प्रिज्म का कोण ए कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इतना नोट कर लिया बच्चों आपने। अब देखिए, इसमें दो त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है हमें, एक है ए बी सी, एक पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज नीचे देखिए आप डी ई एफ, ये दूसरा त्रिभुज है। इस तरह से प्रिज्म में हमें दो त्रिभुज मिलते हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। अब इसमें आपको चतुर्भुज की आकृति भी दिख रही होगी, देखिए आप ध्यान से, पहली कौन सी है ए बी ई डी, ये एक पहला चतुर्भुज हो गया, दूसरा देखिए अब आप ए सी ई डी, दूसरा ये चतुर्भुज हो गया। अब तीसरा और देखिए, ढूंढिए कौन सा होना चाहिए, कौन सा दिख रहा है आपको, बी सी ई एफ। इस तरह से इसमें तीन चतुर्भुज हमें दिखाई देते हैं। इसको आप कॉपी में नोट करिए। अब आपने स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम का कभी नाम सुना है बच्चों, इसमें इस तरह के सात रंग हमें दिखाई देते हैं। इसमें तो इस तरह से वर्णक्रम की परिभाषा अब आप नोट करिए, क्या होता है वर्णक्रम, प्रिज्म के आधार से, आधार मतलब प्रिज्म में नीचे से ऊपर की ओर एक क्रम से हमें सात रंग दिखाई देते हैं। रंगों का यह समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसकी परिभाषा नोट करिए, प्रिज्म के आधार से ऊपर की ओर सात रंग हमें जो क्रम से दिखाई देते हैं, उन रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आया बच्चों। अब ये जो क्रम है, ये प्रिज्म के आधार से सबसे नीचे रंग कौन सा होगा, प्रिज्म में हमें सबसे नीचे रंग कौन सा दिखाई देता है, बैंगनी। अब बैंगनी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, वायलेट। फिर दूसरा रंग ये है, ये बैंगनी के ऊपर दिखाई देगा प्रिज्म से देखेंगे तो यहाँ ये कहलाता है जामुनी, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंडिगो। फिर इसके ऊपर हमें कौन सा रंग दिखाई देगा, ये नीला, नीले को अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्लू। फिर उसके ऊपर हमें हरा रंग दिखाई देता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन। फिर पांचवा ये पीला रंग होता है, जो हरे रंग के ऊपर दिखाई देता है, उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं येलो। फिर छठवा होता है नारंगी, जो कि पीले के ऊपर होता है, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑरेंज। और सबसे ऊपर हमें जो रंग दिखाई देता है, सातवें नंबर का, वो होता है लाल, उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रेड। इस तरह से ये क्रम हमें प्रिज्म के आधार से ऊपर की ओर इस क्रम में दिखाई देते हैं। अब इसको याद कैसे किया जाए बच्चों, इसके लिए हम अंग्रेजी बैंगनी को अंग्रेजी में हम कहते हैं वायलेट, इसका पहला लेटर हम लेंगे वी, तो ये वी लिख दिया। फिर दूसरा जामुनी को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिगो, इसमें आई, आई को हमने ये लिख दिया यहाँ पर। फिर तीसरा रंग होता है नीला, नीला को अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्लू, तो ब्लू का हमने के फर्स्ट लेटर बी ले लिया। फिर हरे को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ग्रीन, ग्रीन का फर्स्ट लेटर क्या है, जी, जी को हमने यहाँ लिख दिया। फिर पीले को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, येलो, येलो का वाई हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद आता है नारंगी रंग,
नारंगी रंग को अंग्रेजी में हम ऑरेंज कहते हैं। ऑरेंज का ओ हम यहाँ लिखते हैं। इस तरह से फिर सबसे आखिरी में कौन सा रंग बचता है बच्चों? लाल रंग। तो लाल रंग को अंग्रेजी में हम कहते हैं रेड। तो रेड का हमने आर यहाँ लिख दिया, तो इससे क्या बन गया? VIBGYOR, इसको हम क्या पढ़ेंगे? विग्योर। तो ये याद करने का तरीका है बच्चों। इस तरह से हम ये सातों रंग आसानी से याद कर सकते हैं। विग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आया समझ में बच्चों? इसके आगे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम प्रिज्म के का वर्णन, प्रिज्म में किस तरह से अपवर्तन की क्रिया होती है इसको समझते हैं। इसको ये बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका डायग्राम पहले आप कॉपी में बनाइए और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक सफेद कागज लेते हैं, उस पर हम प्रिज्म को रखते हैं, फिर उसकी आउटलाइन बनाते हैं। प्रिज्म को इस तरह से हमें रखना है कि उसका त्रिभुजाकार आकृति उस पेपर के ऊपर रहे, ठीक है? तो इस तरह से आप बनाइए पहले बच्चों। अब इसमें ये जो दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये क्या है? ये कहलाती है, ये प्रकाश किरण प्रिज्म के इस अपवर्तक पृष्ठ AB पर पड़ती है। और इसमें AB और ये AC दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। और ये नीचे वाली जो आपको लाइन दिख रही है BC, ये कहलाता है प्रिज्म का आधार। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? अब इसमें हम ये जो है एक PE, ये क्या कहलाती है? जो प्रकाश किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। आया समझे बच्चों? जो प्रकाश किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। फिर यहां पर अब क्या हो रहा है? अपवर्तन की क्रिया हो रही है। प्रकाश किरण विरल माध्यम से हवा से कहाँ जा रही है? प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म के काय का बना है? कांच का। और कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो क्या होगा यहाँ पर? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो इस अभिलंब, ये NN- क्या है? अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है? अब ये जो अब EF, ये क्या क्या कहलाएगी? ये कहलाती है अपवर्तित किरण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती हुई जब अपवर्तित होती है तो ये कहलाती है अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर EF क्या है? अपवर्तित किरण। इतना समझ में आया बच्चों? अब AC, ये भी एक अपवर्तक पृष्ठ है। अब जब ये प्रकाश किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो फिर से कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की। अब अपवर्तन की घटना हो रही है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो यहाँ फिर से अपवर्तन होगा लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा? ये अभिलंब MM- से दूर हटेगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो अभिलंब से दूर हटती हुई कहाँ, किस दिशा में जा रही है? RS। तो वापस उसी माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? RS को निर्गत किरण। इतना समझ में आया बच्चों? अब एक बार और देखिए, ये PQ है आपतित किरण जो कि प्रिज्म के अपवर्तक पर पृष्ठ AB पर हवा से कांच में जा रही है, ठीक है? एक यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया हुई और प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों झुकी अभिलंब की ओर? क्योंकि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है? फिर आगे देखिए बच्चों, अब प्रकाश किरण जब AC पृष्ठ पर पड़ती है तो वहां पे फिर से अपवर्तन की क्रिया होगी लेकिन अब क्या हो रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है इसलिए क्या होगा? वो अभिलंब से दूर हटेगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण को नापना है। ये कहलाता है आपतन कोण PEN। आपतित किरण है PQ PE और NN- है अभिलंब। इसके बीच ये बनने वाला कोण है I, इसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। और अपवर्तन कोण कौन सा होगा? ये अभिलंब है NN- और अपवर्तित किरण है EF।
इसके बीच ये बनने वाला कोण ये आर, ये कहलाता है अपवर्तन कोण। इतना समझ आया बच्चों? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, और ये निर्गत किरण है एफ एस और अभिलंब है एम एम डैश, इसके बीच बनने वाला कोण ये ई जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, निर्गत कोण। अब आपको यहाँ पे बच्चों ये डी भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब ये क्या है, जब हम इस आपतित किरण पी क्यू को आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण आर एस को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, जी पर मिल रही हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। इसे कॉपी में नोट करो बच्चों, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां ये दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर विचलन कोण बनता है। यहाँ पर कौन सा कोण है, ये एच जी एफ, ये कोण कहलाता है विचलन कोण। आइए बच्चों, अब आपके कोर्स में इसका प्रैक्टिकल भी है, इसको हम समझते हैं, इसको आप साथ में भी करते भी जाइए। कॉपी पेन निकालिए, उसमें प्रिज्म को रखिए, प्रिज्म का आधार कहाँ होना चाहिए, प्रिज्म की जो त्रिभुजाकार आकृति है वो आपको कागज पर रखना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड देखा ही होगा आपने, लकड़ी का तख्ता जैसा रहता है, उस पर हम चारों कोनों पर ड्राइंग पिन लगाते हैं, उसको लगाएंगे पहले। ठीक है, सफेद कागज को जब हम ड्राइंग पिन से अटैच कर देते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या रखते हैं, प्रिज्म रखते हैं। प्रिज्म कैसे रखना है आपको, त्रिभुजाकार आकृति कागज पर होनी चाहिए। फिर उसकी हम आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से, ए बी सी, तो हमें इस तरह की आकृति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर हम कुछ कोण बनाते हुए यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, प्रिज्म के अभिलंब से कुछ कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींची, ये रेखा का नाम क्या है, पीई। यहाँ पर ये पी और क्यू ये दो हम आलपिने लगाएंगे। ठीक है, आलपिने गाड़ना है आपको, गाड़ दी। इतना समझ में आया, क्या करना है पहले आपको, पहले ड्राइंग बोर्ड लेंगे, उस पर एक सफेद कागज लेंगे, उसके चारों ओर ड्राइंग पिने लगाना है। यहाँ पर ही चारों तरफ ड्राइंग पिन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम प्रिज्म रखेंगे। ठीक है, प्रिज्म में अपवर्तक पृष्ठ कौन से बताया है बच्चों, पता चल गया आपको, ए बी और ए सी, ये तो अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं, और ये जो बी सी है ये क्या है बच्चों, ये प्रिज्म का आधार कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चों? फिर क्या करना है आपको, कुछ कोण बनाते हुए एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर हम दो पिने लगाते हैं। ये दो पिने कौन सी लगाई, यहाँ पर हमने पी क्यू, अब उसको हम किस तरफ से देखेंगे, इस साइड पिन लगाई तो अब प्रिज्म के हम दूसरी तरफ से देखेंगे, यहां से आप देखेंगे। ठीक है, यहां से जब आप देखेंगे एक आंख बंद करके, तो यहाँ हमें ये दो जो पी क्यू पिने हैं वो इस साइड दिखाई देंगी। अब हमें क्या करना है, हमें वो देखना है कि पिने एक के पीछे एक कहाँ दिख रही हैं, किस साइड से दिख रही हैं। उन एक के पीछे जब एक ये दो पी क्यू पिने दिखेंगी, उसी की सीध में हमें दो पिने और लगानी है, दो आलपिने आर और एस लगाएंगे। इस तरह से लगाना है कि चारों पी क्यू आर और एस चारों हमें एक सीध में दिखाई देना चाहिए। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर हम दो पिने लगाएंगे पी क्यू, फिर उसको इस तरफ से देखेंगे। इस तरह से देखने पर हमें जहां पर जिस डायरेक्शन से हम देखते हैं, अगर हमें पिने एक के पीछे एक दिखाई देती हैं, फिर हमें क्या करना है, दो पिने आर और एस उसी सीध में लगाना है, ताकि चारों पिने हमें एक सीध में दिखाई दे। इतना समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद हम क्या करना है, इस प्रिज्म को हटा देंगे, पिनों को हटाते हुए यहाँ पर निशान बना देंगे, पी को पी पिन को हटाएंगे तो यहाँ पे गोला जैसा बना देंगे, क्यू को हटाएंगे तो यहाँ पे गोला जैसा बना देंगे, यहाँ पे फिर आर को हटाना, आर पिन को यहाँ पे पेंसिल से निशान लगा देंगे, एस पर भी हम पेंसिल से निशान लगा देंगे। प्रिज्म को हटा दिया, ऑल पिनों को हटा दिया, अब क्या करना है, हमें इन पिनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे।
वो रेखा ए बी पृष्ठ पर जहां जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर हमें क्या मिल गया, एक ई बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर आर और एस को मिलाती हुई एक और रेखा खींचेंगे। वो रेखा इस एसी पृष्ठ पर जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु को हमने नाम दे दिया एफ। तो हमें इस तरह से कौन से दो बिंदु मिल गए, ई और एफ, दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इन ई और एफ बिंदु को मिला देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? तो इस तरह से ये पीई क्या हो गई, आपतित किरण, ई एफ क्या हो गई, अपवर्तित किरण, और एफ एस ये कहलाएगी निर्गत किरण। अब हमें ई पर अभिलंब खींचेंगे, एन एन डैश अभिलंब खींचा हमें, तो इससे हमें क्या मिला, यहाँ पर ये दिख रहा है आई, ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण पी ई एन, इसके बीच बनने वाला कोण पी क्या है, आपतित किरण, और एन एन डैश है अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण आई। फिर यह है अपवर्तित किरण ई एफ और एन एन डैश, इसके बीच ये जो कोण बन रहा है आर दिख रहा है आपको बच्चों, ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। ये कहाँ बनता है, आप अपवर्तित किरण ई एफ और अभिलंब के बीच ये बनने वाला कोण ये कहलाता है अपवर्तन कोण। इसे कैसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब आगे देखो बच्चों, ये है एफ एस, इसे क्या कहेंगे हम, निर्गत किरण, और एम एम डैश क्या है बच्चों, ये है अभिलंब, इसके बीच ये कोण दिख रहा है आपको बच्चों, ये क्या कहलाता है, निर्गत कोण ई। इतना समझ में आया बच्चों? अब आगे हम इस आपतित किरण को आगे बढ़ाया, हमने कहां तक बढ़ाया, एच तक बढ़ाया, दिख रहा है ये बड़ा डॉट 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 करके इस तरह से हमें आगे बढ़ाना है। फिर इस आर एस जो निर्गत किरण है इसको हमने पीछे तक बढ़ाया, कहां तक बढ़ गया ये बच्चों, जी तक। तो यहाँ इसके बीच जो बनने वाला ये कोण है, इसे अभी क्या बताया था आपको, ये डी क्या कहलाता है, याद है कि नहीं, ये डी है विचलन कोण, इसकी परिभाषा बताई थी मैंने अभी कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। समझ में आया बच्चों? तो इस डायग्राम की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये देखिए आप, ये रेखा हमने पीई को पी ई, ये प्रिज्म के ये ए बी फलक पर ई बिंदु पर मिली, फिर आर एस को आगे बढ़ाया तो ये एफ पर मिली, ई और एफ को हमने मिला दिया, इस तरह से हमें ए बी और ए सी पर ई और एफ दो बिंदु मिले। फिर हमने ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर और निर्गत कोण, इसको हमें चांदे की सहायता से नापना है। अब एक और क्रियाकलाप ये भी बच्चों आप घर पे कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, गत्ते की एक मोटी शीट लेना है, ये हम क्या समझ रहे हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गत्ते की एक मोटी शीट लेंगे, उसमें एक बारीक छोटा सा छेद कर देंगे बीचों बीच, ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश के सामने हम उसको रख देंगे। तो क्या होगा बच्चों, जब सूर्य के प्रकाश के सामने उस गत्ते की शीट को रखेंगे तो गत्ते की बीच में जो छेद किया है हमने उसमें से श्वेत प्रकाश किरणें निकलेंगी, प्राप्त होंगी हमें, और उसके मार्ग में हमें क्या करना है, ये प्रिज्म को रखना है। ठीक है, प्रिज्म पर, प्रिज्म को जब हम उसके मार्ग में रखेंगे क्या होगा, जब ये श्वेत प्रकाश किरण इस पर पड़ी, इस अपवर्तक पृष्ठ पर, तो यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया होगी, प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, और यहाँ पर फिर हम क्या देखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पृष्ठ से भी ये प्रकाश किरणें निर्गत होंगी, यहाँ भी अपवर्तन की घटना होगी, अपवर्तन की घटना होने से ये प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटेंगी। जब इसके बाहर आगे हम अगर इन निर्गत किरणों को के को अगर हम पर्दे पर प्राप्त करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें अलग अलग रंग की पट्टियां या अलग अलग रंग हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सात रंगों की जो आकर्षक पट्टी है यही क्या कहलाती है, प्रिज्म का विक्षेपण। तो इससे इसकी परिभाषा क्या बने, समझ में आया बच्चों, क्या करना है हमें, सूर्य के प्रकाश में स्लिट रखनी है, गत्ते की एक मोटी शीट में छेद करके,
उसको सूर्य के प्रकाश के सामने रखना है, उसमें से श्वेत प्रकाश किरणें निकलेंगी, फिर हमें क्या करना है उसके मार्ग में प्रिज्म रखना है। तो और उस प्रिज्म से जब अपवर्तन की घटना होगी और उससे अपवर्तन के बाद ये जो किरणें प्राप्त होंगी उसको हमें किस पर कहाँ एकत्रित करना है, पर्दे पर प्राप्त करना है। तो पर्दे पर हमें जब देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, 7 रंगों की आकर्षक पट्टी दिखाई देती है। तो ये इससे हम इसकी विक्षेपण की परिभाषा क्या बनी कि जब श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को के विभाजन की जो ये घटना है वही विक्षेपण कहलाती है, उस क्रिया को हम विक्षेपण कहते हैं। श्वेत, इसको नोट करिए बच्चों कॉपी में, श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग, ये अवयवी रंग है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसे हम क्या कहते हैं, अवयवी रंगों में विभाजन की क्रिया को विक्षेपण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अब ऐसा क्यों होता है, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा बच्चों, है ना? तो उसका क्यों, क्या कारण है, ये अलग अलग जो रंग है इनके विचलन कोण अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका दिख रहा है आपको, जो सबसे नीचे रंग होगा उसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे नीचे रंग हमें कौन सा दिख रहा है, बैंगनी रंग, तो बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके ऊपर हमें क्या दिख रहा है, जामुनी रंग, तो जामुनी रंग का विचलन कोण थोड़ा बैंगनी से कम होगा। फिर हमें दिख रहा है नीला रंग, नीले रंग का विचलन कोण और भी कम होगा। फिर उसके ऊपर हमें दिख रहा है हरा रंग, हरे रंग का विचलन कोण उससे भी कम होगा। फिर हमें दिख रहा है पीला रंग, पीले रंग का विचलन कोण और कम होगा। फिर उसके बाद होगा नारंगी रंग का विचलन कोण, और सबसे कम विचलन कोण किसका होता है बच्चों, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से विचलन कोण सबका अलग अलग होता है, इसलिए हमें ये 7 रंग के रंग हमें प्राप्त होते हैं। समझ में आया बच्चों? अब ये आइजक न्यूटन, ये वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले ये एक प्रयोग करके देखा और उन्होंने देखा कि जब दोनों प्रिज्मों को एक साथ एक क्रम से रख दें तो उन्होंने रंगों के को और अधिक विभक्त करने का की कोशिश की कि सभी 7 रंग हमें अलग अलग दिखाई दें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब पहले प्रिज्म को तो सीधा रखा, यहाँ पे देखिए क्या है, झिर्री या स्लिट, श्वेत प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, फिर स्लिट में एक छोटा सा छेद है, छेद में से श्वेत प्रकाश किरण निकलेगी, फिर वो कहाँ पर आएगी, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ, ये कौन सा क्या कहलाता है, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। जब यहाँ पर आएगी तो क्या होता है, यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया होती है, अपवर्तन की क्रिया होने के बाद फिर ये विक्षेपण होता है। विक्षेपण होना मतलब श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, 7 रंगों में विभक्त होती है। सबसे नीचे रंग कौन सा रहता है बच्चों, बैंगनी, और सबसे ऊपर लाल रंग। तो इस तरह से 7 रंग एक क्रम से दिखाई देते हैं, यहाँ पर 2 रंगों को दर्शाया है, सबसे नीचे वाला रंग और सबसे ऊपर वाला रंग, बीच में 5 रंग हमें क्रम से दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से क्या होगा, अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है बच्चों, और फिर ये 7 रंग हमें वायुमंडल में वापस हमें प्राप्त होते हैं। अब उसके मार्ग में अगर हम दूसरा प्रिज्म हमने ये रख दिया, इसको कैसा रखा है बच्चों, उल्टा, इसका प्रिज्म का कोण है ऊपर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रिज्म का कोण है नीचे की ओर है, ठीक है बच्चों। जब इसके अपवर्तक पृष्ठ पर ये 7 रंग पड़ेंगे तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी, और फिर जब ये 7 रंग दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से जब निकलते हैं तो क्या दिखता है बच्चों, ये 7 रंग फिर से एक श्वेत प्रकाश के रूप में निर्गत होते हैं, और पर्दे पर हमें क्या मिलता है, श्वेत प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। तो इससे उन्होंने, आइजक न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब पहले प्रिज्म से ये प्रकाश किरणें निकली गुजरी तो वो 7 रंगों में विभक्त होगी, फिर अगर दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखते हैं तो वो 7 रंग वापस फिर से श्वेत प्रकाश के रूप में हमें पर्दे पर प्राप्त होते हैं। समझ में आया बच्चों? अब इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष आपने देखा होगा, इंद्रधनुष क्यों कैसे बनता है, ये वर्षा की बूंद, ये दिख रही है आपको, ये वर्षा की बूंद। अब इस कैसे बनेगी, सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंद पर पड़ता है
तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होने के बाद फिर इसका विक्षेपण भी होता है और ये सात रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर ये प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पड़ती है, वर्षा की बूंद के दूसरे पृष्ठ पर पड़ती है, तो यहाँ पर जब बाहर निकलेंगी तो यहाँ पर इसका फिर से अपवर्तन होगा और यहाँ से जब व्यक्ति देखता है तो उसको प्रिज्म का रंग कैसे दिखाई देता है, ये वर्षा की बूंद हमें सात रंगों में विभक्त दिखाई देती है, जिसे सात रंगों में विभक्त होने की ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, इंद्रधनुष। तो जैसा आपने बच्चों प्रिज्म पढ़ा वही घटना यहाँ वर्षा की बूंद में होती है। तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष की बच्चों परिभाषा नोट करिए, इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। परिक्षेपण मतलब विक्षेपण ही होता है, ठीक है। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य जब हमारी पीठ की ओर हो तब हम आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन जल प्रपाते जल के फव्वारे से देखते हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। बच्चों ये आप लोगों ने भी देखा होगा,